गुड इवनिंग गर्ल्स एंड गाइस, वेलकम बैक. गुड इवनिंग, लेट्स क्रैक WP एग्जाम. वेलकम टू द हिस्ट्री पूरा फैन एकेडमी. हिस्ट्री पूरा फैन एकेडमी पे आप लोग सबका स्वागत है. सारा पूजा वूजा हो गया खत्म, अब पढ़ाई में लग जाओ. WBCS 2021 के लिए एकदम लग जाइए, सब कुछ भूल करके WBCS 2021, ठीक है? जल्दी से लिंक को शेयर कर दो फेसबुक व्हाट्सएप एंड ट्विटर में, ठीक है? लिंक को शेयर कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप एंड ट्विटर में. गुड इवनिंग ऑल गर्ल्स एंड गाइस, गुड इवनिंग कोलकाता, गुड इवनिंग बंगाल, गुड इवनिंग इंडिया. जितने लोग आ चुके हो हाँ ना बोल करके मुझे जरा बताओ तो जरा. फरहत गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग परवीन, गुड इवनिंग. इसका तो खबर ही नहीं है. हम अभी भी फोन करके मुर्शिदाबाद वाले को बोला कि तुमको भेजना था तो तुम साला अलग से 60 पीस एक अलग गाड़ी क्यों नहीं भेजा, तो मिक्स करके भेजा यहाँ पे 380 गाड़ी बोला तो लोड करके भेज दिया. सुन पा रहे मुझे आप लोग? लिंक को शेयर कर दो जरा दोस्तों में, जल्दी से शेयर कर दो. हेडिंग करो करंट अफेयर्स 2020. आज हम लोग करने वाले बंगाल सल्तनत. बंगाल सल्तनत में 3 डायनेस्टी है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सल्तनत ऑफ बंगाल, ठीक है? सल्तनत ऑफ बंगाल, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. पहली डायनेस्टी को आज हम लोग करेंगे. परवीन वेट, ऐसा थोड़ी है, उसके गाड़ी में कितना भी सवाल है उसको खबर ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है. हम इसी के लिए सुबह बार बार और रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले जो इतना 11:30 बजे जो भेजते किसी ने इसीलिए कि आज ही जाके पहले खबर ले लें क्या गाड़ी आया नहीं आया, तो उस टाइम पता चला कि हावड़ा का गाड़ी नहीं आया तो फिर हावड़ा वाले को पकड़ा कि हाँ भाई तेरा गाड़ी अभी तक आई, तो बोला ठीक है हम मेरा रोडिंग चल रहा है. चलो जल्दी से हेडिंग करेंगे, लिखेंगे करंट अफेयर्स 2020, ब्रैकेट में लिखेंगे मिशन WBCS 2021. करंट अफेयर्स 2020, ब्रैकेट में लिखेंगे मिशन WBCS 2021. जल्दी से हेडिंग करेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है? 12th ब्रिक्स समिट BRICS 12th ब्रिक्स समिट होस्टेड बाई 12 ब्रिक्स समिट होस्टेड बाई. ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप. बताओ आंसर. होस्टेड बाई कौन सा लीडर का नाम बताना है. आंसर क्या लिखेंगे? आंसर इज व्लादिमीर पुतिन. ओके व्लादिमीर पुतिन. नेक्स्ट है क्वेश्चन लिखेंगे, हु लॉन्च्ड सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज. हाँ प्रवीण बोलो, हु लॉन्च्ड सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज. सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज, सुरक्षा चैलेंज. जल्दी बताइए. बिल्कुल सही आंसर इज हरदीप पुरी कौन है? लॉन्च बाय लिख लेना. हरदीप पुरी कौन सा पोस्ट में है इंडिया में?
हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है ना हरदीप पुरी, कौन से पोस्ट पे? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज चेयरमैन ऑफ नैसकॉम? चेयरमैन ऑफ नैसकॉम NASSCOM चेयरमैन ऑफ नैसकॉम। ओके आंसर इज यू बी परवीन राव। ठीक है, यू बी परवीन राव। ठीक है चलो यहीं तक रखेंगे करंट अफेयर्स। अब आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं सल्तनत ऑफ बंगाल में पहला डायनेस्टी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आप लोग देख लो, दिस इज द न्यू फी स्ट्रक्चर बाबू, 10,450 रुपये फॉर वन ईयर, 15,200 रुपये फॉर टू ईयर। तो आप लोग टू ईयर के लिए या वन ईयर के लिए प्लस कोर्स में मेरे सब्सक्राइब कर लेंगे, माई कोड इज MD Alam लगा करके प्लस कोर्स में सब्सक्राइब करेंगे, हो जाएगा फीस क्या 9,405 रुपये और 13,680 रुपये फॉर टू ईयर। तो दो साल के लिए कितना लग रहा है आपको? 570 पर मंथ करके 13,680 रुपये में आपको टू ईयर्स का WBCS का पूरा पैकेज मिल जाएगा। प्रीलिम्स मेंस ऑल सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे आप, है ना, और इंटरव्यू का भी आपको प्रिपरेशन मिल जाएगा यहां से। तो बहुत जरूरी है प्लस कोर्स के लिए ज्वाइन करना, क्योंकि मेंस के लिए बहुत जरूरी है आपको डिटेल में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना, ठीक है, क्योंकि 100 मार्क का मेंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी आएगा। ये चार सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और फिर आप देखेंगे साइंस एंड करंट अफेयर्स का एक पेपर रहता है, फिर ऑप्शनल पेपर भी रहता है। अभी मेरा प्लस कोर्स में हम क्या पढ़ा रहे हैं? प्लस कोर्स में हम पढ़ा रहे हैं ऑप्शनल पेपर के लिए, एंड ऑप्शनल पेपर प्लस मेंस दोनों को टारगेट करके हम पढ़ा रहे हैं, है ना, दोनों को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। तो दोनों को टारगेट करके जब पढ़ा रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास आप लोग ज्वाइन करा करो। जो लोग भी आप लोग मेरा वीडियो कभी भी आप लोग देख रहे हैं, और जो लोग भी मेरा प्लस क्लास में हैं, जो लोग भी प्लस क्लास में सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, सुबह 10 बजे ऑल्टरनेट डेज पे मेरा क्लास होता है, सुबह 10 बजे प्लस क्लास, एवरीडे 2 PM होता है। कौन सा क्लास? एवरीडे 2 PM मेरा क्लास होता है, स्पेशल क्लास। संडे को मॉक टेस्ट स्पेशली लेता हूँ सुबह 12 बजे से, कल 12 बजे से मॉक टेस्ट होगा, तो आप लोग सब लोग आ जाना। गुड इवनिंग तन्मय। सल्तनत का मतलब होता है अंपायर। क्या होता है? सल्तनत का मतलब होता है अंपायर, राइट? चलिए, है ना। और डायनेस्टी का मतलब होता है खानदान, दोनों अलग बात है। हम लोग गुप्ता अंपायर बोलेंगे, मतलब गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन। और जब बोलेंगे गुप्ता डायनेस्टी, मतलब गुप्ता की फैमिली ऑरिजिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। डायनेस्टी मतलब उनकी फैमिली के बारे में डिस्कशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में जब डिस्कशन कर रहे हैं, देन वी विल कॉल्ड अंपायर, है ना। अरबिक में सल्तनत बोलते हैं उसको, फारसी में भी सल्तनत बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज मी मोहम्मद इंतखाब आलम खान। आप टाइप करेंगे अन अकेडमी पर जाकर के, इंतखाब खान नाम सर्च करेंगे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करेंगे ताकि आप प्लस कोर्स में मेरे ज्वाइन कर सको। प्लस कोर्स में ज्वाइन करेंगे, डेली लाइव क्लास करेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस दे पाएंगे, मॉक टेस्ट कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मॉक टेस्ट पे पकड़ होना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सल्तनत ऑफ बंगाल पहली डायनेस्टी जिसको पढ़ने वाले हैं। डायनेस्टी का नाम है इलियाशाही डायनेस्टी। क्या नाम है? इलियास शाही डायनेस्टी। तो इलियास शाही डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? शमसुद्दीन इलियास शाह। रूल करता है 1342 से लेकर के 1358 तक, फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। और ये लोग थे कौन? टर्किश ऑरिजिन के थे, और बंगाल की पहली डायनेस्टी है जो टर्किश ऑरिजिन की है, ठीक है, टर्किश ऑरिजिन की है। दैट मीन्स बंगाल में और भी डायनेस्टी आया होगा, और भी अंपायर आया होगा जो टर्की से बिलोंग करते होंगे। तो बात बिल्कुल सही है, और भी डायनेस्टी है, इसके बाद हम लोग डायनेस्टी करेंगे। ही मेड हिज कैपिटल एट पंडुआ,
और बाद में अपना कैपिटल को कहाँ, हुगली में शिफ्ट कर लेंगे। हुगली है ना, पंडुआ मालदा के पास पड़ता है, और हुगली अभी देखेंगे हौड़ा से पड़ता है, एक घंटा दूरी पे। ही डिफीटेड रूलर्स ऑफ दिल्ली, सोनारगांव, सोनारगांव बांग्लादेश में आजकल पड़ता है, तब बंगाल का पार्ट था, नेपाल, असम और सतगांव, ये सारे जगह के डायनेस्टी पे अटैक करेगा, उधर का स्टेट को कैप्चर करेगा, कैप्चर करके उस पार्ट को बंगाल में अपनी डायनेस्टी में मिला लेगा। अर्लियर इस आदमी का नाम था अलाउद्दीन अली शाह, और किंग बनने के बाद टाइटल अडॉप्ट कर लेगा शमशुद्दीन इलियास शाह। क्या है ओरिजिनल नाम? अलाउद्दीन अली शाह। हिज कंटेम्पररी वॉज फिरोज शाह तुगलक, है ना। इस आदमी का कंटेम्पररी कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तुगलक डायनेस्टी का किंग था, जो दिल्ली पे बैठ करके इंडिया पे रूल करता था, मतलब मेजोरिटी पार्ट पे फिरोज शाह तुगलक इंडिया पे रूल करता था, लेकिन बंगाल उसके टाइम पे दिल्ली सल्तनत मतलब फिरोज शाह तुगलक के कंट्रोल में नहीं था। तो हम लोग अब जरा सा पीछे चलो, स्टोरी सुनो। हम लोग पहले पढ़ा है कुतुबुद्दीन, वो डायनेस्टी का नाम है तुगलक डायनेस्टी, किंग का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आप देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत है उसमें डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूट जाना, टूटना, बिखरना, अलग होना। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक आप देखेंगे बंगाल सबसे पहले दिल्ली सल्तनत से अलग हो करके और इंडिपेंडेंट बंगाल में सल्तनत बना था, जिसका नाम है इलियास शाही डायनेस्टी। उसी टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आप देखेंगे बहमनी किंगडम बनेगा और विजयनगर अंपायर भी बनेगा। तो विजयनगर अंपायर और बहमनी किंगडम हम यूट्यूब पे मेरा क्लास होगा, आप देखेंगे, पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग फोकस कर रहे हैं बंगाल के ऊपर। ये पहला, सबसे पहला दिल्ली सल्तनत से टूटने वाला जो सल्तनत था, उस सल्तनत का नाम था सल्तनत ऑफ बंगाल, जिसमें डायनेस्टी का नाम था इलियास शाही डायनेस्टी। परफेक्ट, ठीक है, समझ गए। तो इलियास शाह कौन था? आप देखेंगे बंगाल में एक जगह है, जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है लखौंती, और लखौंती का गवर्नर था दिल्ली सल्तनत में, उसका नाम था कादर खान, है ना, कादर खान। और कादर खान कौन था? ही वॉज गवर्नर ऑफ लखौंती, और उसका सर्वेंट था ये आदमी जिसका नाम है अलाउद्दीन अली शाह। अलाउद्दीन अली शाह क्या करेगा? कादर खान को डिफीट करने के बाद, उसको हटाने के बाद, और पंडुआ पे आकर के अपना एम्पायर को एस्टैब्लिश कर लेगा, और बाद में लखौंती को भी कैप्चर करके अपना स्टेट में मिला लेगा। ठीक है, ठीक। अब ये आदमी जब किंग बनेगा तो ये लोग एक्सपांड, जो अपना एम्पायर को एक्सपांड करना स्टार्ट करेगा, तो बहुत सारे किंग लोग को डिफीट करेगा। जैसे ये आदमी उड़ीसा में भी अटैक करेगा, उड़ीसा में जो किंग था, ठीक, उड़ीसा का किंग, गंगा डायनेस्टी का किंग था, उसको भी डिफीट करेगा, और चिल्का जो लेक है वहां तक अपना अंपायर को एक्सपांड कर लेगा बंगाल से निकल करके। उसके बाद आप देखेंगे नेपाल में तो काठमांडू को जाएगा, काठमांडू को अटैक करेगा, और उधर काठमांडू तक भी अपना अंपायर को क्या कर लेगा? एक्सपांड कर लेगा। ठीक है, उसके बाद और इसको चैन नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, और क्या करेगा? असम पे जाकर के कामरूप, वहां पे भी अटैक करेगा, और कामरूप को कैप्चर करके बंगाल में अपना स्टेट में मिला लेगा। तो ये सारे स्टेट पे देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब तरफ जाकर के क्या करेगा? अटैक करेगा, और अटैक करके अपना अंपायर को एक्सपेंशन करेगा। बिल्कुल सही, किसी भी राजा का अंपायर को एक्सपेंड करना उसका नेचुरल फिनोमेना होता है। अगर कोई राजा अंपायर को एक्सपेंड ना करे, वेरी गुड अमान, तो अगर कोई राजा अपना अंपायर को एक्सपेंड ना करे, मतलब वो राजा कहलाने का लायक नहीं है। राजा का काम ही होता है अंपायर को एक्सपांड करना। जैसे मोदी जी आजकल एक्सपांड कर रहे हैं अपने अंपायर को, है ना। तो पहले जमाना में क्या होता था? लड़ाई करके अंपायर का एक्सपेंशन होता था। अभी जैसे इलेक्शन हो रहा है, नाम का इलेक्शन हो रहा है ना, तो इलेक्शन करके, क्योंकि डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आ चुका है, तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन होकर के अंपायर का एक्सपेंशन करते हैं, है ना। डेमोक्रेसी में अंपायर का एक्सपेंशन कैसे करते? इलेक्शन करवा करके। और पहले जमाने में जब डेमोक्रेसी नहीं था, बिफोर 1947 जब इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं था, तो अंपायर का एक्सपेंशन कैसे करते थे? अंपायर का एक्सपेंशन बाबू करते थे अटैक करके। तो जो भी पावरफुल राजा होगा दूसरे राजा को अटैक करेगा, और अटैक करके उसका स्टेट को कैप्चर करके अपना स्टेट में मिलाने का कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये आदमी, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलियास शाह आप देखेंगे जब अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा? इलियास शाह जब अटैक करेगा उड़ीसा पे, तो उड़ीसा पे अटैक करने के बाद, गंगा डायनेस्टी को डिफीट करने के बाद, वहां से बहुत सारा खजाना लेके आएगा। जब कोई राजा वॉर में जीत करके खजाना को लाता है, उस खजाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंट में जल्दी से आप मुझे बताएंगे। ठीक है, वॉर में जीत करके जब कोई राजा खजाना लाता है, उस खजाना को क्या बोलते हैं? ठीक है, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, है ना, कमेंट में जल्दी से मुझे बताएंगे। तो बहुत सारा खजाना को जीत के लाया। इवन आप देखेंगे इलियास शाह उड़ीसा से 44 एलिफेंट्स भी जीत करके लाता है।
एलिफेंट क्यों ला रहे हैं? बिकॉज वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज का नाम है घोड़ा और हाथी, ठीक है। तो किसी भी बैटल फील्ड में ध्यान से देखना कैसे लड़ाई किया जाता था। किसी भी बैटल फील्ड में सबसे पहले होता था फ्यूडल कैवेलरी, फ्यूडल होता था, उसके बाद कैवेलरी मतलब घोड़ा वाला, और सबसे पीछे होता था हाथी। तो तीन लेयर होता था, पहले दौड़ करके आदमी जाता था, तलवार लेकर के दौड़ करके, कभी पद्मावती आप देखा है तो पहले दौड़ करके एक आदमी जाएगा और दौड़ करके जा करके अटैक करेगा, उसके पीछे होता था घोड़ा और उसके पीछे होता था हाथी, है ना। तो ये तीन लेयर होता था बैटल फील्ड में लड़ाई करने का। ये तीन लेयर में आर्मी लोग को क्या किया जाता था? डिप्लॉय किया जाता था, ठीक है, डिप्लॉय किया जाता था। अच्छा, अभी तक आप लोग आंसर नहीं किया है, वॉर में जो राजा खजाना जीत के लाता है, हिस्ट्री पढ़ोगे ना इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। वॉर में जब खजाना राजा जीत के लाता है, ट्रेजर वो होता है जहां पे खजाना रखते हैं, और वॉर में जीता हुआ सामान को इंग्लिश में बोलते हैं बूटी। क्या बोलते हैं? बूटी, समझे। खम्स वॉज अ टैक्स, खम्स का नाम क्या है? खम्स एक टाइप का टैक्स का नाम है, इंग्लिश में याद रख लेना। वॉर में बोलते हैं बूटी, इंग्लिश में बोलते हैं बूटी। और जाबिर आपको पता है बूटी को उर्दू में, फारसी में क्या बोलते हैं? वॉर में जीता हुआ सामान, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बूटी। उर्दू और फारसी, क्योंकि आप देखेंगे मिडिवल पीरियड है, लैंग्वेज वॉज पर्शियन, तो वॉर में जीता हुआ सामान को उर्दू और फारसी में बोलते हैं। तो मिडिवल पीरियड में इंडिया का लैंग्वेज वॉज पर्शियन, तो फारसी में बोलते थे माले गनीमत। माल का मतलब होता है वेल्थ, गनीमत का मतलब होता है फ्री में मिलने वाला, माले गनीमत। और उर्दू में फिर फारसी से इसी वर्ड को ले लिया गया, ठीक है। माले गनीमत, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक। तो इलियास शाह जब रूल कर रहा था, आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, जब दिल्ली सल्तनत से बंगाल का सल्तनत अलग हो गया, ये लोग का बिल्डिंग है ये, तो बंगाल में जब बंगाल सल्तनत अलग हो गया, इलियास शाही डायनेस्टी बन गया, अपने नाम से बना लिया, तो फिरोज शाह तुगलक 1352 में, क्या डेट है, 1352 में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, जब फिरोज शाह तुगलक किंग बन जाएगा ना, 1352 में मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक जाएगा बंगाल, और बंगाल पे अटैक करके सोचा इलियास शाह को डिफीट करके बंगाल को दिल्ली में मिला ले। लेकिन इसका जो सोच था, जो चाहत था, वो चाहत पूरा नहीं हो पाया। वाई? जब फिरोज शाह तुगलक अटैक किया तो बंगाल में ये लोग क्या किया था, नॉर्थ बंगाल में एक पैलेस बना के रखा था, ठीक है, एक पैलेस बना के रखा था, उस पैलेस का नाम था एक दाला, ठीक है। और पैलेस था कहां पे? पैलेस था आइलैंड में, आइलैंड में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के आसपास में कहीं पे बना के रखा था आइलैंड पे। तो जब फिरोज शाह तुगलक अटैक किया ना, तो इलियास शाह क्या किया, निकल करके अपना कैपिटल से, पांडुआ से निकल करके चला गया वो पैलेस में। अब इसको कैसे डिफीट करे, इसको तो मार ही नहीं पाएगा, डिफीट करने के लिए जाकर के उधर पे पैलेस में छुप गया। फिरोज शाह तुगलक इंतजार कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, इंतजार करते 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 दो तीन दिन गुजर गया। अब फिरोज शाह तुगलक को आकर के चुपके से शमशुद्दीन इलियास शाह आकर के अटैक करता है, अटैक किया, दोनों के बीच में बैटल हुआ, बैटल का कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब रिजल्ट नहीं निकला तो बैटल फील्ड में फिरोज शाह तुगलक दो दिन तक बंगाल में इंतजार करेगा कि क्या करे अब। दो दिन के बाद फिरोज शाह तुगलक को लग रहा कि एक्चुअली में कुछ का कोई रिजल्ट नहीं है, तो वापस फिरोज शाह तुगलक फिर से कहाँ चला जाता है, फिर से दिल्ली चला जाता है, और इलियास शाह अपना गद्दी पे फिर से आगे बैठ जाता है। मतलब उसका एक टैक्टिक्स था, फिरोज शाह तुगलक को डिफीट करने का, भगाने का एक टैक्सिस था, पहले खुद भागा, फिर आकर के चुपके से अटैक किया, और फिर फिरोज शाह तुगलक कन्फ्यूज हो गया, और फिर कन्फ्यूजन में फिरोज शाह तुगलक अपना आर्मी को पुल बैक करके वापस दिल्ली चला जाता है, ठीक है। तो ये है इन लोग का क्या है, ये लोग, ये है इनका अंपायर का एक्सपैंड करने का और रूल करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा आया, बेटा का नाम सिकंदर शाह, 1358 से 1390 तक। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अलेक्जेंडर शाह। अलेक्जेंडर का मतलब क्या होता है? अंपायर का एक्सपेंशन करना। ये एक मस्जिद का है, मस्जिद ये लोग बनाया था, मंदिर, मस्जिद का नाम है अडीना मॉस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है अडीना मॉस्क। ये एग्जाम में वेस्ट बंगाल में WBCS में पूछ चुका है, नंबर ऑफ टाइम्स वेस्ट बंगाल का एग्जाम में पूछ चुका है, हु कंस्ट्रक्टेड अडीना मॉस्क। तो अडीना मॉस्क वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई सिकंदर शाह, सिकंदर शाह वॉज द सन ऑफ शमसुद्दीन इलियास शाह।
एंड ही कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्क इन पंडुआ, मॉस्क का नाम है अदीना, ठीक है, अदीना मॉस्क का ये वाला आप बाहर का फोटो देख रहे हैं और ये ओरिजिनल फोटो है, ऐसा नहीं आर्टिस्टिक इंप्रेशन है, ओरिजिनल फोटो है। आप देखो कितना अच्छा ग्राउंड है, कितना सुंदर, वो जमाना में सोचो और कितना सुंदर रहा होगा, जिसको अभी का गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अगर हम सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल होते या हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते तो सब काम छोड़ छाड़ करके क्या करते पता है, हम सब काम छोड़ छाड़ करके फैक्ट्री वैक्ट्री सब काम छोड़ छाड़ करके करते ये टूरिज्म को डेवलप करते, और ये जितना साइट है वो सारा साइट को, है ना, ये सारा साइट को, टूरिज्म का साइट को पहले ठीक तरीके से डेवलप करवाते, रिपेयर करवाते और टूरिज्म के लिए इसको टीवी में ऐड डलवाते और पूरा दुनिया से टूरिज्म इंडिया में इतना आता ना बाबू, इंडिया में ऐसा ऐसा साइट्स है जो पूरा दुनिया का आदमी लोग सोच नहीं सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल टेराकोटा टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना, टेराकोटा टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन मायापुर, ए टेम्पल पे लॉर्ड कृष्णा का जो टेम्पल है, टेम्पल पे टेराकोटा का टेम्पल पे आप देखेंगे छोटा छोटा ऐसे सर्कल, बीच में लॉर्ड कृष्णा, चारों तरफ गोपियां, इसको निडल, निडल आप लोग समझते हैं सुई, सुई से टेराकोटा के ऊपर दीवार पे खोद, खोदना समझते हैं, टेराकोटा पे खोद खोद करके ये गोपी और कृष्ण को बनाया गया है। अब जो हम स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं, हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, किसी का बाप भी ऐसा टेम्पल पे स्ट्रक्चर बना नहीं पाएगा, पैसा कितना भी आप खर्च कर लो ऐसा टेम्पल आप बना नहीं पाओगे, बिकॉज पैसा तो आप कितना भी खर्च कर लोगे वो आदमी कहां से लाओगे जो टेराकोटा के दीवार पे निडल से ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में एक्सपर्ट था, वो सब आदमी नहीं है। ये सब दुनिया से टेक्नोलॉजी खत्म हो चुका है, अभी का टेक्नोलॉजी और उस टाइम का टेक्नोलॉजी बहुत डिफर करता है। पहले जमाना का आदमी लोगों के पास उतना सारा रिसोर्सेज नहीं था, लेकिन अगर पहले वाला आदमी, पहले जमाने के आदमी लोग के पास अभी के तरह रिसोर्सेज होता ना, वो लोग क्या कर सकता था आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो भी एक आदमी लोग नहीं कर सकता है। तो आप टूरिज्म को डेवलप करोगे ना तो टूरिज्म से बहुत पैसा आएगा देश का, और वो भी पैसा कहाँ से आएगा, फॉरेन से, डॉलर से। और जब आप देखेंगे फॉरेन का पैसा आपके सेंट्रल बैंक के पास आएगा तो आपका इकोनॉमी मजबूत होता है, इकोनॉमी आपका क्या होगा, मजबूत होगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब साइट्स को डेवलप करना, कोई साइट्स कुछ भी हो, वट एवर मंदिर मस्जिद कुछ भी साइट्स हो, उसको डेवलप करो और उसको प्रमोट करो, है ना। मोदी जी का फोटो टीवी में दिखाने से बेटर कि ये सब का फोटो दिखाओ, ममता बनर्जी का फोटो होर्डिंग लगाने से बेटर है कि होर्डिंग्स, ये सब चीज़ का होर्डिंग लगाओ तो पब्लिक अवेयर होगा ऑब्वियसली दुर्गा पूजा में। और बंगाल में तो घूमने का ऐसे ही चाहत है, बंगाली पीपल दुनिया में सबसे ज़्यादा घूमता है, तो बंगाल का आदमी लोग ऐसे घूमेगा कितना पैसा आएगा, है ना। और बंगाल का आदमी लोग तो दुनिया में सब जगह है, इंडिया का आदमी लोग पूरे दुनिया में सब जगह है, वो लोग कभी ना कभी घूमने तो आएगा ना, और फॉरेनर लोग तो ऐसे ही घूमने आते हैं। तो जब ये बंदा किंग बना देखेंगे सिकंदर शाह 1358 में, है ना, 1359 में फिर से अटैक हुआ, कौन अटैक किया, फिरोज शाह तुगलक, इसके बाप को अटैक किया था 1352 में, डिफीट नहीं कर पाया, बेटा को अटैक किया सिकंदर शाह को 1359 में, फिरोज शाह तुगलक आया, बेटा भी अपने बाप की तरह टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और सिकंदर शाह भी अपना पंडुआ कैपिटल से निकल करके जा करके एक डाला अपना जो आइलैंड वाला फोर्थ हाउस में जाके छुप गया, फिरोज शाह तुगलक इंतजार करता रह गया, फिरोज शाह तुगलक और इसके बीच में फिर बैटल हुआ और फाइनली फिरोज शाह तुगलक को अपना आर्मी लोग को पुल बैक करना पड़ा, फिरोज शाह तुगलक फिर से वापस दिल्ली और इसका अंपायर फिर से बच जाता है। तो ऐसे आप देखेंगे ये लोग रूल किया करता था, मतलब ये लोग थोड़ा सा गुरीला टैक्टिक्स जो आप देखेंगे निकाले थे बैटल करने का तरीका, गुरीला वॉर ऑफ टैक्टिक्स निकाले थे शिवाजी, उसी तरीका का ये लोग बैटल किया करता था, जिससे फिरोज शाह तुगलक जीत नहीं पा रहा और फिर वापस उसको पुल बैक करके और सेटलमेंट करके वापस बंगाल से जाना पड़ता था। वैसे हम लोग बंगाल वाले, हम लोग से कोई ऐसे जीत भी नहीं पाएगा। तो ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ कोतवाली दरवाजा इन गौड़ा, गौड़ किसको बोलते हैं, गौड़ बोलते हैं बाबू बर्दवान रीजन को, ठीक है, कोतवाली दरवाजा बनवाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली में ये लोग कंस्ट्रक्शन बहुत सारा करवाएगा, है ना, सॉरी कहाँ गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आएगा ग्यासुद्दीन आजम शाह, ये भी आप पंडुआ मस्जिद का फोटो देख रहे हैं, ठीक है, पंडुआ मस्जिद का फोटो देख रहे हैं, पिलर्स मीनार आप देख रहे हैं। सन ऑफ सिकंदर शाह इस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ म्यांग डायनेस्टी ऑफ चाइना ड्यूरिंग हिज रेस चाइनीज ट्रेवलर मैन वुआन, है ना, मैन वुआन विजिटेड बंगाल, अच्छा ये आदमी भी विजिट किया है। वीकनेस ऑफ इलियास शाही डायनेस्टी
इसका फायदा उठाएगा एक आदमी, उसका नाम है राजा गणेश। और 415 में राजा गणेश क्या करेगा, इलियास शाही डायनेस्टी को एंड कर देगा और 415 AD में अपने आप को पावर में ला करके बन जाएगा किंग। फिरोज शाह वॉज द लास्ट किंग इन द 451 AD, और फिरोज शाह अपना टाइटल अडॉप्ट किया था अलाउद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन। ये फिरोज शाह तुगलक नहीं है, फिरोज शाह इलियास शाह डायनेस्टी का लास्ट किंग 415 में। गणेश शाह क्या करेगा, इसको डिफीट करने के बाद गणेश शाह बन जाएगा इसके बाद किंग। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे गणेश शाह के बारे में, और गणेश शाह के बाद फिर से इलियास शाही डायनेस्टी आएगा। एक्चुअली इलियास शाही डायनेस्टी जो है वो दो बार पावर में बंगाल में आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये गणेश शाह, अब गणेश जो है राजा गणेश क्या करेगा, डिफीट कर देगा फिरोज को, और डिफीट करने के बाद अपना डायनेस्टी फॉर्म कर लेगा और इसका डायनेस्टी का नाम पड़ा गणेश डायनेस्टी। तो राजा गणेश 415 से लेकर के 414 तक रूल करेगा। एकदम माइंड ब्लोइंग आदमी था ये, है ना, राजा गणेश जो था माइंड ब्लोइंग आदमी था। इसका तरीका देखो कितना खतरनाक आदमी है, मतलब मुझे बंगाल में वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी में एक पर्सनैलिटी लगता है, मतलब राजा लोग में, है ना, तो ये राजा गणेश लगता है। फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी गणेश डायनेस्टी आफ्टर इलियास शाही डायनेस्टी, ही मेड हिज कैपिटल एट गौड़, गौड़ मतलब बर्दवान में। वे लोग का कैपिटल कहाँ था, इलियास लोग का कैपिटल था पंडुआ में, लेकिन उसका कुछ आदमी लोग बच गए थे। अब क्या किया, उन लोग को डिफीट करने के बाद आदमी लोग को वैसे ही छोड़ दिया और कैपिटल को शिफ्ट कर लिया अपना बर्दवान के पास। मॉडर्न हिस्टोरियन आइडेंटिफाई हिम एज धनुजा मर्दान देवा। अब धनुजा मर्दान देवा कौन है, लेकिन बहुत सारा हिस्टोरियन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ हिस्टोरियन लोग एक्सेप्ट किया है कि यही आदमी है धनुजा मर्दान देवा, लेकिन मेजॉरिटी हिस्टोरियन ये बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये धनुजा कौन है, धनुजा मर्दान देवा, ही वॉज द किंग ऑफ साका डायनेस्टी इन बंगाल इन 1319, है ना, 1339 में साका किंग का नाम था धनुजा मर्दान देव। और कुछ हिस्सों लोग आइडेंटिफाई किया है, बोलते हैं कि राजा गणेश और धनुजा मर्दान देव एक्चुअली में दोनों एक ही आदमी है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी हिस्सों लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मेजॉरिटी हिस्सों लोग का एक्सेप्टेंस यही है कि धनुजा मर्दान देव एक अलग आदमी है और राजा गणेश एक अलग आदमी है, ठीक है। अब राजा गणेश कौन था, अब इसके बारे में स्टोरी सुनो। राजा गणेश जो है ही वॉज सर्वेंट, ठीक है, ही वॉज सर्वेंट कहाँ पे, वो सर्वेंट था इलियास शाही डायनेस्टी में, ठीक है। और दिनाजपुर का भी आप लोग जगह नाम सुना है, दिनाजपुर का, अभी आजकल दिनाजपुर दो हो चुका है, उत्तर दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, पहले जमाने में एक ही दिनाजपुर था, वो तो बाद में अभी डिविजन हुआ 20th century में। तो दिनाजपुर का ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड का मतलब क्या होता है, फ्यूडल लॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। तो बाद में क्या हुआ, इलियास शाही डायनेस्टी में इसको बना दिया गया ऑफिसर, कहाँ का, पंडुआ का। जब इलियास शाही डायनेस्टी का रूलर लोग वीक पड़ने लगा, तो इलियास शाही डायनेस्टी में जो रूलर था उसमें से एक रूलर का मर्डर करके और गणेश जो है अपने आप को बना लेता है किंग, ठीक है। और किंग बनने के बाद ये क्या किया, किंग बनने के बाद बंगाल में मुसलमान लोग को टॉर्चर करना स्टार्ट किया, और मुसलमान लोग को इतना टॉर्चर किया कि जहाँ पाए वहाँ मुसलमान लोग को पकड़ करके पीटना स्टार्ट, कभी कभी मर्डर भी करवा दे रहे, किलिंग विलिंग करवाना बहुत आसान हो गया। तो बंगाल में एक सेंट थे, ठीक है, एक सेंट थे, उनका नाम था नूर कुतुबुद्दीन, ठीक है, क्या नाम था उनका, नूर कुतुबुद्दीन, पूरा नाम भी बताएंगे, इतना नया याद रखना। नूर कुतुबुद्दीन वॉज द सेंट इन बंगाल। नूर कुतुबुद्दीन ये बात से बहुत दुखी हुए, तो नूर कुतुबुद्दीन एक लेटर लिखते हैं, किसको लेटर लिखते हैं, आप देखेंगे जब तुगलक डायनेस्टी रूल कर रहा था तो आप देखेंगे बंगाल सल्तनत बना, विजयनगर बना, बहमनी किंगडम बना, और एक और बना था जौनपुर में किंगडम बना था। जौनपुर में किंग था, उसका नाम था इब्राहिम, सुल्तान इब्राहिम, ठीक है। सुल्तान इब्राहिम को जो बंगाल के सूफी सेंट थे जिनका नाम था नूर, ही रोट अ लेटर, और लेटर लिख करके बोलते हैं कि तुम आकर के बंगाल पे अटैक करो और गणेश को डिफीट करो। तो इब्राहिम जो है अपना जौनपुर से आर्मी लेकर के आया और बंगाल पे अटैक कर दिया, मतलब राजा गणेश को अटैक कर दिया। राजा गणेश देखा कि मेरे ऊपर जब अटैक हो गया तो राजा गणेश चला गया नूर के पास, मतलब वो सूफी सेंट के पास। नूर कुतुबुद्दीन को जाकर के हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है, बोलते हैं अब हम कोई भी ऐसा बदमाशी नहीं करेंगे। तो सूफी सेंट लोग माफ़ी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो माफ़ी एक्सेप्ट कर लिए, और माफ़ी एक्सेप्ट करने के बाद इब्राहिम जो राजा था कहाँ का, सुल्तान इब्राहिम जौनपुर यूपी में, उसको बोला कि तुम अपना आर्मी लेकर के वापस जौनपुर चले जाओ। तो चला गया जौनपुर वापस। तो जब वो जौनपुर वापस चला गया,
इसी समय जब माफ़ी मांगने आया था राजा गणेश, तो राजा गणेश को कुतुबुद्दीन, वो जो नूर कुतुबुद्दीन सूफी सेंट थे, माफ़ कर दिया। और माफ़ करने के बाद बोले कि अब तुम किंग नहीं हो सकते, क्योंकि तुम किंग बन करके पब्लिक को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हो, तो अब तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा बनेगा किंग। तो नूर मोहम्मद क्या किए, राजा गणेश के बाद उसका एक बेटा था, बेटा का नाम था जादू, और जादू को बना दिया किंग। और जादू का उम्र था 12 साल, और जादू बोला कि हमको इस्लाम एक्सेप्ट करना है। तो अंडर नूर कुतुबुद्दीन जादू एक्सेप्टेड इस्लाम, और जादू को फिर नूर कुतुबुद्दीन एक नया नाम देते हैं, ठीक है, नया नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, ये देखो। तो नूर कुतुबुद्दीन क्या किए, राजा गणेश का बेटा को अब नया नाम नया रिलीजन देने के बाद उसको बना दिए किंग। तो ये जो किंग था सुल्तान इब्राहिम जौनपुर का, वो वापस चला गया, और जैसे वापस गया ये राजा गणेश फिर चेंज हो जाता है, और राजा गणेश अपना बेटा को गद्दी से हटा करके फिर से किंग बन जाता है, फिर से किंग बन जाता है। अब जो इसका बेटा था जलालुद्दीन, जिसका नाम था रियल नेम जादू, वो गुस्सा हो गया और वो अपना एक सर्वेंट को सेट कर लेता है, और उसका सर्वेंट के थ्रू अपने बाप को गणेश को मरवा देता है। और गणेश का 1418 में, 1418 में क्या हो जाएगा, फाइनल मर्डर करवाएगा कौन, ये जादू जलालुद्दीन। मर्डर करवाने के बाद अपना सर्वेंट से फाइनली बन जाएगा किंग कौन, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह। अब यहाँ पे देखो, हम पहले ही बोल चुके ये एक्सेप्टेड इस्लाम, और इसके टाइम पे बहुत पॉपुलर सिटी था बंगाल में दो, एक है फिरोजाबाद नाम रखा था बंगाल में, और दूसरा एक सिटी था पंडुआ। ये दो सबसे ज़्यादा पॉपुलस एंड सबसे बड़ा सिटी हुआ करता था वो टाइम का बंगाल, है ना, कोलकाता तब बड़ा सिटी नहीं था। यह फोटो आप देखेंगे क्वाइन का, सिल्वर का फोटो है, साका क्वाइन ऑफ 1339 ऑफ धनुजा मरदान देवा, धनुजा मरदान देवा ही वॉज अ साका किंग, उसका सिल्वर का क्वाइन है, देखो बंगाली में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ हिस्ट्रियन लोग बोले हैं कि राजा गणेश ही धनुजा मरदान देव है, लेकिन मेजोरिटी हिस्ट्रियन बोलते हैं कि नहीं, राजा गणेश एक अलग आदमी है, धनुजा मरदान एक अलग आदमी है। अब देखो एक और फोटो, तो कितना माइडियर आदमी था राजा गणेश, अपना बेटा को ही गद्दी पे बैठाने के बाद अपना बेटा को ही फिर हटा देता है, है ना, बहुत खतरनाक आदमी था वो, मतलब वो एक्चुअली में प्योर पॉलिटिशियन था, ही वॉज नॉट किंग, ही वॉज प्योर आजकल का पॉलिटिशियन। ये है राजा गणेश, प्योर पॉलिटिक्स करता रहा, सबके साथ पॉलिटिक्स करता था, पहले इलियास शाही डायनेस्टी के साथ पॉलिटिक्स किया, फिर बंगाल में नूर कुतुबुद्दीन उनके साथ पॉलिटिक्स किया, अपना बेटा का साथ भी पॉलिटिक्स किया, सबके साथ पॉलिटिक्स किया। अब गणेशा डायनेस्टी का एंड हो जाने के बाद 1535 में आप देखेंगे गणेशा डायनेस्टी का एंड हो जाएगा। गणेशा डायनेस्टी के एंड के बाद 1437 में शमशुद्दीन इलियास शाह का खानदान का एक आदमी, उसका नाम था मोहम्मद शाह, वो क्या करेगा, सेकेंड फेज ऑफ इलियास शाही डायनेस्टी स्टार्ट करेगा, फिर से अपना अंपायर को रीस्टोर करेगा। एंड जब ये किंग बना, इसका नाम था मोहम्मद शाह, किंग बनने के बाद टाइटल अडॉप्ट करेगा नसीरुद्दीन अब्दुल मुजफ्फर, और रूल करेगा 1459 तक। उसके बाद नेक्स्ट किंग बनेगा 1459 में, उसका आदमी का नाम था बर्बाकशाह, और बर्बाकशाह किंग बनने के बाद टाइटल अडॉप्ट करेगा सुल्तान रुकनुद्दीन। बर्बाकशाह का एक और नाम था, नाम क्या था, उसका नाम था शहजादा, इसीलिए कभी कभी बर्बाकशाह को सुल्तान शहजादा भी बोलते थे। अब शहजादा इज अ फारसी वर्ड विच मीन्स ऑलरेडी होता है प्रिंस, है ना, जैसे शाहरुख, दिस इज ऑल्सो फारसी वर्ड विच मीन्स ऑल्सो होता है क्या, विच मीन्स ऑल्सो होता है प्रिंस। शाहरुख का मतलब होता है फेस ऑफ किंग। लास्ट किंग इस डायनेस्टी में 1487 में, उसका नाम था फतेह शाह, एंड ही वॉज किल्ड बाई हिज हबशी कमांडर। अभी हबशी कौन होता है, हबशी होता है बाबू अफ्रीका, जो अफ्रीका के डार्क स्किन के लोग होते हैं उनको बोलते हैं हबशी। जैसे अफ्रीका में आप देखेंगे जितना भी अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे डार्क स्किन का आदमी लोग होते हैं उनको बोलते हैं हबशी। और पहले ज़माने में अफ्रीका से स्लेव को पकड़ के लाया जाता था, किस लिए, एक तो काम करवाने के लिए, और दूसरा वो स्लेव अगर अच्छा पावरफुल स्लेव है, मतलब लड़ने में एक्सपर्ट है, तो उसको आर्मी में इंक्लूड कर देते थे। तो अफ्रीका का आदमी लोग का हाइट 7 फुट एवरेज है, हाइट कितना 7 फुट, स्किन पूरा डार्क, बैटल फील्ड में जब जाता था ना वो हबशी, इसी को अफ्रीकन आदमी को बोलते हैं हबशी। हबशी इज अ फारसी, ये अरबिक वर्ड, ठीक है। तो जब ये हबशी लोग बैटल फील्ड में लड़ने जाता था ना, तो 7 फुट पहला तो इन आदमी का हाइट 7 फुट प्लस, स्किन पूरा डार्क, और बैटल फील्ड में जब धूप में लोग निकलता था ना बैटल फील्ड में,
तो ऑपोजिशन का आर्मी लोग में डर हो जाता था। क्यों? ऑपोजिशन का आदमी लोग को इंसान नजर ही नहीं आता था। इंसान का जगह पे आदमी कैसा दिख रहा है उसको? वाइट, एकदम टीथ चमकता हुआ, और आदमी का फेस नजर ही नहीं आ रहा है। धूप में दो ही चीज नजर आता था, एक तो नजर आता था तलवार, तलवार पे जब सन का रोशनी पड़ता था वो चमकता था, और एक उलो का दांत। आदमी का पता नहीं, ये दूर से दिखाई पड़ता था। तो ऑपोजिशन वाला लोग देख के डरता था इससे, ये कैसा आदमी उठा के लाया है, किसका सिर्फ दांत नजर आ रहा है, मुंह का पता नहीं चल रहा है कहाँ है, इतना डार्क स्किन का आदमी। तो इससे ऑपोजिशन का आर्मी लोग में डर होता था, इसीलिए अफ्रीकन आदमी लोग को स्लेव बना के लाते थे, फिर बाद में उनको आर्मी में ट्रेनिंग देकर के आर्मी में इंक्लूड करते थे। तो ये आदमी जब किंग बना, फतेह शाह, ही अडॉप्टेड द टाइटल सुल्तान जलालुद्दीन। ठीक है, सुल्तान जलालुद्दीन। अब जरा सा आगे लिख देखेंगे हम लोग, ये है गोल्ड क्वाइन ऑफ इलियास शाही डायनेस्टी। ठीक है, अब ये देखेंगे अदीना मॉस्क का इनर, आप देखेंगे फोटो, अंदर का फोटो है ना, अंदर का फोटो। आज भी इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जरा सा एक दो बात हम लोग लिखेंगे, फिर आप लोग का हम क्वेश्चंस देखेंगे। लिखो, जरा सा लिखेंगे हम लोग, लिखो हेडिंग करना राजा गणेशा, राजा गणेशा क्लोजअप कैट जैसा, राजा गणेशा में लिखो। When राजा गणेशा बिकेम किंग, When राजा गणेशा बिकेम किंग, And when he started torturing Muslims of Bengal, अच्छा ये लिख लो फिर दिखा रहे हैं। And when he started torturing the Muslims of Bengal, then ascent of Bengal Qutubuddin, Noor Qutubuddin Alam, ascent of Bengal Noor Qutubuddin Alam, Noor Qutubuddin Alam wrote a letter to the Sultan of Jaunpur इब्राहिम शाह, टू द सुल्तान ऑफ जौनपुर इब्राहिम शाह, टू डिफीट राजा गणेशा, टू डिफीट राजा गणेशा, But when Ibrahim Shah attacked on Bengal, then Raja Ganesha asked Noor Qutubuddin Alam to forgive him and provide protection. ठीक है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, और फिरोज वो फिर सुल्तान को बोलते हैं जौनपुर का सुल्तान को वापस चले जाने, वो वापस चला गया, इसका बेटा को बना दिया किंग, लेकिन फिर इसे अपना बेटा को हटा देता है, फिर बेटा इसका मार के इसके जगह पे बन जाता है किंग। नीचे एक लाइन लिख लेना, फिरोज शाह तुगलक फर्स्ट टाइम अटैक्ड ऑन बंगाल इन 1353, फिरोज शाह तुगलक अटैक्ड ऑन बंगाल
in 1353 to defeat Ilyas Shah. Comma, then Ilyas Shah taken shelter. In Ekdala, Ekdala, Ekdala. Iceland fort. Full stop. नीचे लिखेंगे. Firoz Shah Tughlaq again attacked in 1359. On Sikandar Shah. Comma, again Sikandar Shah taken shelter in Ekdala Iceland fort. Comma, ultimately Firoz Shah Tughlaq was unsuccessful both the time. लिख चुके. इंद्रनील आज कहां थे दिन में? क्लास में नहीं आए. गुड इवनिंग इंद्रनील. अब आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो बोलो. स्कॉलर्स होगा ना. स्कॉलर्स बोल के कोई वर्ड होता है क्या? नहीं, स्कॉलर्स होता है. कल मॉक टेस्ट करेंगे हम लोग. आ जाना 12 बजे से. मॉक टेस्ट WBCS फुल GS कोई भी एग्जाम में काम आएगा डेफिनेटली. चलो नो क्वेश्चन. तो यहीं तक रखेंगे हम लोग आज का क्लास. कल सुबह हम लोग मिलेंगे फिर. कल मिलेंगे इन द मॉक टेस्ट दिन के 12 बजे. ठीक है.
फुल जीएस, रात के 8 बजे फिर हम लोग मिलेंगे इन द प्लस इन द यूट्यूब क्लास। लेट्स क्रैक WBA एग्जाम पे सब लोग का स्वागत है। लिंक को फिलअप करके फीडबैक दे सकते हैं। प्लस कोर्स में सब्सक्राइब करने के लिए MDLM दिस इज माई कोड लगा के और वेस्ट बंगाल के लिए एग्जाम्स के लिए चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को भी भेज देना दोस्तों में। स्पेशल क्लास में होगा कल मॉक टेस्ट एट 12 PM, ठीक है? यहीं तक रखें हम लोग। बाय, थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। Good night, take care.